हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, होस्ट और फ्रेंडली नेबरहुड राहुल, और आप सबका स्वागत करता हूं मैं ग्राफिक्स इन 10 मिनट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फोटोशॉप बिगनर्स क्लास नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे फोटोशॉप ब्रशेस के बारे में। ब्रशेस का यूज आपको जैसे पता ही है कि पेंटिंग के लिए यूज में आता है, लेकिन फोटोशॉप में ब्रशेस का यूज इसके बजाय और भी बहुत सारी चीज़ों में आता है, लाइक इमेजेस में कलर करेक्शन करने के लिए, इमेजेस को कटिंग करने के लिए, मास्किंग के लिए। मास्किंग बेसिकली कटिंग का ही एक तरीका है, तो उसके लिए भी हमारा फोटोशॉप में ब्रशेस का यूज आता है। तो मैं आगे आगे बताएंगे, प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे कि क्या क्या यूज है। फोटोशॉप ब्रशेस की क्लास को हम 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम बेसिक सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड क्लास में हम एडवांस सेटिंग, कस्टमाइज ब्रश, खुद से क्रिएट करना ब्रश को, और टैबलेट्स का के साथ ब्रशेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत ब्रशेस का बताया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप टॉप पे लिंक में जा सकते हैं। तो ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है, ये मैंने बेसिकली सभी ब्रशेस से ही किया हुआ है, और बहुत बेसिक ब्रशेस से ये डिज़ाइन की गई है। मैक्सिमम राउंड ब्रशेस और लीफ ब्रशेस का ही इस्तेमाल हुआ है इस पूरी इमेज को क्रिएट करने के लिए। पीछे के बैकग्राउंड फिल्टर्स हैं। इसके बजाय यहाँ पे एक और इमेज है मेरी, ये भी मैंने बहुत जल्दी में क्रिएट की है सिंपल ऑर्डिनरी ब्रशेस से। तो ब्रशेस का बहुत सारे डिफरेंट रोल है, मैंने जैसे पहले बताया। तो ये कुछ पेंटिंग्स के हैं, मैं बेसिकली बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ। तो ये मेरे बेसिक्स कुछ आर्ट क्रिएट करने की मैंने कोशिश की थी। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्रशेस के बारे में पढ़ना। तो हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, सिंपली जस्ट, एंड मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम ले लेते हैं एक ब्रश। तो फोटोशॉप ब्रशेस के यहाँ पे आ जाते हैं टॉप में, और यहाँ से चूज कर लेते हैं हम दीज बेसिक राउंड ब्रशेस। तो आपके ये ब्रशेस अगर ऐसे नहीं दिख रहे तो सिंपली यहाँ से चले आइए और यहाँ से चूज कर लीजिए रिस्टोर डिफॉल्ट ब्रशेस, तो आपके सिमिलर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा बेसिकली 2020 वर्जन है, तो इस कारण यहाँ पे मेरे वर्जन में ग्रुप्स में दिख रही हैं चीज़ें, लेकिन अगर आपका पुराना वर्जन है तो चीज़ों में ग्रुप्स नहीं होंगे, सिंपली ब्रशेस होंगे। तो कन्फ्यूज मत होना, वो सभी सेम ही है। इसके बजाय आप विंडो में जाके ब्रशेस में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सिमिलर एक पैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ पे भी सिमिलर वही ब्रशेस अवेलेबल है। लेकिन इतना लॉन्ग प्रोसेस जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली माउस में राइट क्लिक कर लीजिए, तो तब भी आपके यही ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं राउंड ब्रश ले रहा हूँ, कोई भी आप ले सकते हैं इनमें से, जो भी ये सर्कल दिख रहे हैं आपको। और सिंपली अगर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ तो जस्ट एक बेसिक लाइन्स ड्रॉ कर रहा है। इसके बजाय ब्रशेस की कुछ और सेटिंग्स है, तो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था साइज और हार्डनेस के बारे में, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइज ब्रश का साइज है, एज ए नेम सजेस्टेड, कि कितनी बड़ी लाइन बनेगी। अगर मैं ब्रश के साइज को बढ़ाता हूँ तो मेरी लाइन ज़्यादा थिक बनेगी। इसके बजाय कुछ और ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या करता है, बेसिकली सिंपल, एज ए नेम सजेस्टेड, अगर मैं हार्डनेस अभी जो ड्रॉ कर रहा था 100% पे रख के ड्रॉ कर रहा था, अगर मैं हार्डनेस 0 कर दूं तो मेरे अब ब्रश कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, यानी कि एजिस सॉफ्ट रहेंगी। और अगर मैं हार्डनेस मिडिल में ले आता हूं अराउंडली 50, तो वो हार्ड और सॉफ्ट के बीच का कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इसकी तरह सॉफ्ट भी नहीं है और इसकी तरह हार्ड भी नहीं है। तो ये हमारा डिफरेंस है हार्ड
और सॉफ्ट फ्रेश में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और ऑप्शंस की बात करना चाहता हूँ, तो हम फोटोशॉप के ब्रशेस में कैसे साइज बढ़ा सकते हैं। एक तो सिंपली मैंने बता दिया कि हम टॉप से बढ़ा सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से भी साइज बढ़ा सकते हैं, और सिंपली हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए भी साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ऑल्ट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करता हूं तो मेरा ये ऑप्शंस ओपन होंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड माउस लेके जाता हूं तो मेरा ब्रश का साइज छोटा होगा, और अगर मैं राइट साइड लेके जाता हूं तो मेरे ब्रश का साइज बड़ा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप शॉर्टकटली यहां से भी वर्क कर सकते हैं। सेम तरीके से ऑल्ट क्लिक करके अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और टॉप पे लेके जाता हूं तो मेरी हार्डनेस कम होगी, यानी कि अभी 0% हो चुकी है मेरी हार्डनेस। और सेम तरीके से अगर मैं वापस ऑल्ट क्लिक करके नीचे की तरफ लाता हूं तो मेरी हार्डनेस इंक्रीज होगी। तो ये कुछ ऑप्शन थे जिनसे हम अपने ब्रश की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस में, और ब्रश के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रश की कुछ और सेटिंग्स है, तो हम कंट्रोल बार में आ जाएं तो यहां पे देखें। तो नेक्स्ट आगे हमारे ब्लेंडिंग मोड्स है। अभी फिलहाल मैं इनमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे लेयर्स में भी ब्लेंडिंग मोड है। जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। तो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने के लिए मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सी इमेज ले आते हैं हम। तो प्लेस एम्बेडेड इमेज प्लेस कर लेते हैं। तो सिंपल सी कोई भी इमेज प्लेस कर लेते हैं, लाइक दिस वन। तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है ऑपेसिटी। ऑपेसिटी क्या है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, आप कुछ भी कह सकते हैं ऑपेसिटी को। अभी फिलहाल मैंने ऑपेसिटी 100% रखी है। तो अगर मैं न्यू लेयर ली हुई है उस पर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो उस एरिया की सभी चीज़ें हाइड हो रही है जैसा कि होना चाहिए था। अगर मैं ऑपेसिटी को कम करना स्टार्ट कर देता हूँ अराउंड 70 के पास, आप अगर देखेंगे आप तो क्या हो रहा है कि उसकी कलर ब्लैक कलर हो रहा है लेकिन फुल अमाउंट में उसको हाइड नहीं कर रहा। सो आप जितनी ओपेसिटी कम करते जाएंगे वो इतना ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो मैं 35 कर रहा हूँ ओपेसिटी को, अब अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो वो और ज़्यादा कलर को कम यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर मैं वापस भी आ रहा हूँ तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। अनटिल मैंने जो पहले पेंट किया था जिस पे माउस छोड़ दिया था मैंने, उस एरिया पे आ रहा हूँ तो वो डार्क हो रहा है, लेकिन अगर मैं वापस आ रहा हूँ उस एरिया पे भी तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो या ओपेसिटी इस तरीके से वर्क करता है, जब तक आप माउस नहीं छोड़ेंगे तब तक वो उसके ऊपर वापस पेंट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं माउस छोड़ के पेंट करने की कोशिश करूँगा तो वो उसके ऊपर वापस से पेंट करेगा, यानी हर बार उस कलर को डार्क करता जाएगा। तो हमारी ओपेसिटी कुछ इस तरीके से वर्क करती है। एक और ऑप्शन है इसके आगे हमारा, विच इज फ्लो। तो मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो फ्लो को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ओपेसिटी को 100% कर देते हैं, अब हम फ्लो को कम कर लेते हैं। पहले फ्लो को 100% रख के, तो हम जो पहले वर्क कर रहे थे वो 100% रख के ही कर रहे थे। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, 100% रख के हम करेंगे तो सेम जैसा हमारा ओपेसिटी के साथ हो रहा था, दोनों अगर सेम रहेंगे ओपेसिटी एंड फ्लो 100% तो सिमिलर ही वर्क रहेगा। लेकिन अगर मैं फ्लो को कम कर देता हूँ अराउंडली 35%, अब अगर मैं पेंट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो कुछ परसेंट हमारा ओपेसिटी की तरह ही वर्क कर रहा है, लेकिन यहां पे एक डिफ चीज है
कि अगर मैं वापस आके इसके ऊपर पेंट करता हूँ तो क्या हो रहा है, वो चीज़ डार्क होते जा रही है। जितनी बार मैं ऊपर ला रहा हूँ हर बार वो ज़्यादा डार्क होती जा रही है। तो बेसिकली फ्लो क्या है, अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट कलर का वो एट ए टाइम छोड़ेगा, आपके ब्रश से कितना कलर एक बार में निकलेगा। तो अमाउंट ऑफ कलर आप अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि वो चीज़ ज़्यादा डार्क या कलर लीव करेगी, तो जिससे हमारी चीज़ों में पीछे हाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस फ्लो और ओपेसिटी का। इसका दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है जब हम पेंटिंग्स या कलर करेक्शन कर रहे होते हैं, समटाइम कटिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है हमारा स्मूथ। तो ये स्मूथ का जो ऑप्शन है ये अराउंडली फोटोशॉप CC 18 में आया था, 2018 में आई थिंक, तो तब से ये इसमें ऑप्शन है। अगर आप पुराने वर्जन में कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो स्मूथनेस क्या कहता है, अगर मैं डिफॉल्टली स्मूथनेस ऑन रख के ही वर्क करना प्रेफर करता हूँ तो इसको इमेज को हाइड कर लेते हैं टेम्परेरी तौर पे देखने के लिए। अब अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, स्मॉल कर लेते हैं ब्रश का साइज थोड़ा सा, अब अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरी स्मूथ लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। लेट्स राइट ए वर्ड हाय। Now let's try the same word with smoothness 0%। तो ऑफ कर लेते हैं, एक और न्यू लेयर ले लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो yeah, I'm trying to write the same word। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये मैं सभी वर्क माउस से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे कि माउस से चीजें नहीं हो सकती। फर्स्ट जो मैंने स्मूथनेस 100% ऑन करके किया था, सेकंड वन है जिसमें स्मूथनेस 0% थी। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है साफ कि क्या हो रहा है कि 100% स्मूथनेस में स्मूथ लाइंस क्रिएट हो रही हैं। तो या अगर आपका हाथ स्टेडी नहीं है तो आप स्मूथनेस इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपके वर्जन में अवेलेबल है तो। तो ये था बेनिफिट हमारे स्मूथनेस का। इसके बजाय यहाँ पे एक और ऑप्शन है एंगल। एंगल समझने के लिए हमें यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं इसकी सेटिंग्स में बताऊंगा। तो सेटिंग्स ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली विंडोज में आ जाएंगे और ब्रश सेटिंग्स पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आपका नहीं आ रहा आप सिंपली F5 भी क्लिक कर सकते हैं तो उससे भी ये सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो सेटिंग्स ओपन होगी, अब यहां पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ब्रश टिप एंड शेप, इस पर क्लिक कर लेंगे हम। अब यहां पे भी सेम ऑप्शन आ रहे हैं साइज के, तो वही चीज साइज काम करेगा। यहां से भी हम साइज बढ़ा या घटा सकते हैं। आपको सेम यहां पे प्रीव्यू भी दिखाएगा कि अगर आपका ब्रश कैसा काम कर रहा है अभी। तो अगर मैं साइज कम करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं आप साइज कम हो गया है मेरे ब्रश का। ये 100% एक्यूरेट नहीं होता लेकिन या आपको रेफरेंस बता देता है कि ओवरऑल किस तरीके से वर्क करेगा।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा हार्डनेस, वही जो हम पहले करते आए हैं, अब आउटलाइन को सॉफ्ट करेगा। और अगर हार्डनेस 100% कर देंगे तो हमारी लाइन हार्ड बनेगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्पेसिंग, ये समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिफॉल्टली ये स्पेसिंग ऑन ही रहती है, अगर ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे आपकी लाइन डिपेंडिंग अपॉन कितनी आप फास्ट मूव कर रहे हैं, या तो वो सर्कल्स बनाएगा या परफेक्ट लाइन बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी स्पीड में ब्रश का यूज़ कर रहे हैं। इसके बजाय अगर मैं हार्डनेस सॉफ्ट स्पेसिंग बिल्कुल कम कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ जिगजैग लाइंस दिख रही हैं। अगर आपको नहीं दिख रही तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ है लाइन में। लेकिन अगर मैं स्पेसिंग बिल्कुल कम कर देता हूँ, मिनिमम 1%, तो अब मेरी लाइंस बिल्कुल स्मूथ है। अगर मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ तो आप देखिए किस तरीके की लाइंस बनेगी। तो ये बना रहा है सिंपल डॉटेड लाइंस। तो आपको कितनी स्पेस चाहिए, आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे इतनी दूर मेरे ये डॉट्स क्रिएट होंगे। मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू है 1000 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है हमारे ब्रशेस के बीच में। इसके बजाय यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, तो अब हम स्पेसिंग वापस मिनिमम कर लेते हैं और रख लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एंगल, राउंडनेस, फ्लिप एक्स एंड फ्लिप वाई। इसके बजाय यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन आज हम सिर्फ फोटोशॉप ब्रश टिप शेप्स तक ही ऑप्शंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस को समझने के लिए हमें कोई दूसरे ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रश में जाके ब्रश चेंज कर लेते हैं। तो जिसमें अच्छे से समझ में आ जाए वो ब्रश लेते हैं, कोई लाइक दिस वन। ये काफ़ी अच्छा ब्रश है समझने के लिए। तो इसका साइज बड़ा कर लेते हैं हम, और यहाँ पे बाकी सभी ऑप्शन इसके ऑफ कर लेते हैं। जितनी भी ये टिक्स बनी है इन सभी को टिक्स को हटा लेना अभी समझने के लिए। तो क्योंकि हर ब्रश की अपनी कुछ सेटिंग्स होती हैं तो उसी वजह से ये ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल एक लीफ क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ शेप टाइम टिप्स एंड शेप्स में, फ्लिप एक्स कर लेते हैं, फ्लिप एक्स कर लेते हैं। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, इसके अपोजिट साइड डायरेक्शन बन रही है। पहले मेरे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे नीचे, तो इसकी ये इस साइड आ रही है लेफ्ट साइड पे, और अगर न्यू वन की देखेंगे फ्लिप एक्स करने के बाद तो वो राइट साइड पे उसकी स्टेम आ रही है। सेम तरीके से फ्लिप वाई करता हूँ तो वो वाई डायरेक्शन में आ रहा है। मैंने एक्स और वाई दोनों एक साथ किए हैं, मैं चाहे तो एक्स को ऑफ भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कुछ और ऑप्शंस पे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इस ब्रश में तो हार्डनेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हार्डनेस का ऑप्शन सिर्फ आपको राउंड ब्रश में ही मिलेगा। फोटोशॉप में जस्ट राउंड ब्रश ही है जिसके साथ आपको हार्डनेस का ऑप्शन मिलता है, बाकी और किसी के भी साथ आपको हार्डनेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बजाय यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है एंगल, सिमिलर जो हमारा कंट्रोल बार में भी, यहाँ पे भी एंगल है। तो अगर मैं इसको में जाके माउस फील अप कर रहा हूँ क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीव्यू में क्या हो रहा है कि लीफ रोटेट हो रहे हैं। अब मैं जितनी बार भी ड्रॉ करूँगा इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेगा, डिपेंडिंग अपॉन मेरे को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। सेम टाइम में अगर आप यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखेंगे ध्यान से, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वो क्या हो रही है, बेसिकली ये जो एरो बना हुआ है ये बताता है एंगल। आप चाहे तो सिंपली इस एरो के ऊपर क्लिक करके भी ब्रश की डायरेक्शन रोटेट कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए। इसके बजाय यहाँ पे एक और ऑप्शन है विच इज़ राउंडनेस। तो राउंडनेस समझने के लिए पहले हम एंगल को जीरो कर लेते हैं,
ताकि डिफॉल्ट एंगल में आ जाए, तो ये हमारा डिफॉल्ट ब्रश था। अब राउंडनेस में आ जाते हैं और राउंडनेस कम करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा ब्रश कैसा बन रहा है, फ्लैट। तो राउंडनेस या सेम चीज़ करता है, चीज़ों को फ्लैट करता है। इसको समझने के लिए मैं सिंपली न्यू लेयर में आपको ले लेते हैं हम, और सिंपल राउंडनेस 100% करके यहाँ पे एक ब्रश बना देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल टी कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म ऑन करता हूँ और इसको सिंपली ट्रैक करना, क्योंकि मेरा फोटोशॉप 2020 है तो मेरे को शिफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, बिना शिफ्ट के करना अगर आपका फोटोशॉप 2020 नहीं है तो। तो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट फ्लैट हो रहा है अगर मैं सिंगल डायरेक्शन में साइज कम कर रहा हूँ इस पॉइंट से। तो सेम चीज़ क्रिएट होगी, तो या यही चीज़ हमारा डिफॉल्टली ब्रश कर रहा है, लेकिन हर स्ट्रोक के लिए। यहाँ पे मैं सिंगल ऑब्जेक्ट था तब इसको स्ट्रेच कर पाया, लेकिन अगर मल्टीपल होते तो मैं ऐसा स्ट्रेच नहीं कर पाता इजीली से। तो हमारा ब्रश टिप शेप इस तरीके से इसको स्ट्रेच करता है। हम चाहें तो यहाँ से भी सिंपली तौर पे इसको फ्लैट कर सकते हैं, ये जो पैरलर दो पॉइंट दिख रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स में किसी को भी एक को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू, राउंडनेस की वैल्यू चेंज करेगा, और बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो वापस 100% ले आएगा। तो ये था कुछ हमारे ब्रशेस के ऑप्शंस के बारे में। इसके बजाय यहाँ पे टॉप में एक बटन बना हुआ है, ये है रीसेट ब्रशेस। क्या करेगा, जो भी ओरिजिनल सेटिंग थी वापस ओरिजिनल सेटिंग्स में ले आएगा, हर चीज़ साइज से लेके उसकी शेप तक। तो होपफुली आपको यहाँ तक ब्रशेस के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बाकी सेटिंग्स हम, मैंने पहले बता दिया कि नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, तो आप बाकी ब्रशेस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फोटोशॉप में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस मिलेंगे। इसके बजाय अगर आप सिंपली यहाँ पे चले जाते हैं, राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं, और यहाँ से आप डिफॉल्टली बहुत सारे और भी डिफरेंट ब्रशेस को लोड कर सकते हैं, गेट मोर ब्रशेस। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और सिंपली तौर पे अगर आपके पास ब्रशेस लाइब्रेरी है तो आप उनको भी लोड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ब्रशेस के बारे में बेसिक डिटेल्स, होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी आप कलर लेना चाहें कलर ले सकते हैं, और सिमिलर कलर ब्रश में आएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी आप कलर लेंगे वो कलर पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रशेस फोटोशॉप में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा डिटेल में ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैप्पी फोटोशॉपिंग, थैंक यू।